Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. वन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं एकदम बढ़िया हूँ. वेलकम बैक टू माय चैनल टी पी ओ जी विद पारुल. तो कैसे लगे आप लोगों को हमारे ब्लॉग इंडिया गेट के और इंडिया गेट ट्रेड फेयर? मेरा चैनल है वो हमारा जो है फैमिली लाइफ स्टाइल, जैसे भी हम लोग पहले रहते थे जब हमारा ब्लॉग नहीं था तब भी हम लोग ऐसे ही रहते थे. तो जो है हमने अपनी चीज़ जैसे हम लोग जैसे भी रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. अच्छा लगता है मुझे बहुत. तो बस ऐसे ही आप लोग जो है अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा. तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. तो अभी जो हो टाइम हो रहा है वो 1:15 हो रहे हैं. तो मैंने जस्ट अभी तहरी, जो हम लोगों के यहाँ तहरी बोली जाती है, येलो मटर वाले जो चावल होते हैं येलो, उसको तहरी भी बोलते हैं, पुलाव भी बोलते हैं और खिचड़ी भी बोली जाती है यहाँ पे यूपी साइड. खिचड़ी खा ली और मेरे हस्बैंड गए ऑफिस. और अभी 2-3 दिन पहले इतना ज़्यादा मेरे गले में इतना पेन, खांसी वो सारा हो गया था. मतलब मैं तो दिवाली के बाद से जो मतलब ऐसे ही हो रहा मेरे साथ कि कभी ठीक फिर बीमार, 2 दिन ठीक फिर बीमार, कुछ ना कुछ हो रहा है. पहले जो है पैर में लग गया था, फिर वो ठीक हुआ, फिर 1-2 दिन के लिए फीवर आ गया, फिर खांसी, फिर गले में दर्द. मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ. तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है. ऐसा ना मेरे साथ हर साल होता है. मैं हर साल 1 हफ्ता 15 दिन मैं ज़रूर बीमार रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ. आज सर्दियों का फर्स्ट गाजर का हलवा, तो उसको मैं छील के कद्दूकस करके धो के उबाल के गाजर सारी चीज़ें जो हैं वो करके रख दूंगी और फिर बनाऊंगी आज हलवा गाजर का. उसके बाद जो है मुझे बथुआ भी साफ़ करना है. बथुए की बनेगी सुबह कचौड़ी, वो भी बनेगी. ये भी सर्दियों की पहली डिश है, बथुए की कचौड़ी. और तीसरी चीज़ बनेगा आज खमन ढोकला. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, जो कचौड़ी है वो सुबह बनेगी, बथुए को साफ करके बॉईल करके वो रख दूंगी आटे में मार के, और जो खमन ढोकला है उसको आज ही बनाऊंगी. पहले जो है हलवे की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे जो है मेरा बेटा यूवी आ जाएगा स्कूल से, तो उसको सुला के खिला के पिला के हलवा बनाऊंगी, फिर खमन ढोकले की तैयारी करूंगी. ये इंस्टेंट वाला है. वैसे भी मैंने जो है घर का जो बेसन का जो बनता है वो भी मैंने बनाया है 2-3 बार, बहुत अच्छा बना. और एक बार बिल्कुल ख़राब बना, पता नहीं क्या कमी हो गई थी, वो एकदम अच्छा नहीं बना, बहुत बेकार बना. तो इसलिए मैं वो ट्राई नहीं कर रही हूँ. इस बार मैंने सोचा कि चलो इंस्टेंट वाला जो है ट्राई करके देखते हैं. तो मैं जो है पहले कस लेती हूँ गाजर को, फिर टाइम हो जाएगा, यूवी को लेने भी जाना है नीचे. और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी देखें, और पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर से लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो है शेयर भी करें. तो बस यही है जो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए वो इस तरीके से प्लीज़ आप लोग बना के रखें. तो सर्दी भी शुरू हो चुकी है, अच्छी खासा ठंडा हो रहा है आज, काफ़ी ठंडा हो रहा है. मतलब चलो मैं इसको जो है गाजर का पहले जो है कर लेती हूँ, क्योंकि गाजर के हलवे में भी जो है ना काफ़ी टाइम लगता है इसको. तो जो है मैंने कसना ही बंद कर दिया गाजर को. अच्छा हुआ आप लोगों से बात करते करते जो है ना मुझे ध्यान भी आ गया कि मुझे इसे कसना नहीं है, मुझे इसको वॉश करके और मैं छोटा छोटा काट कर सीधा कुकर में चढ़ा दूंगी और बॉयल करने रख दूंगी. चलो जी फटाफट से कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको कद्दूकस करें
और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप कद्दूकस करो या फिर आप ऐसे ही कट के ऐसे जो है बॉइल कर लो, हलवा जो है ऐसे ही अच्छा बनता है। बंद दो सीटी और फिर इतनी देर में मैंने जो है मेरा फोन चार्ज हुआ तो मैंने जो है बथुआ साफ कर लिया है। इसको दो दिन बाद पानी से वॉश करके अब बस मैं इसको जैसे ही कुकर से ये खाली होगा गाजर, इसको भी मैं उबालने रख दूंगी बथुए को और इसको सीधा आटे में मार लूंगी। फिर और थोड़े से आलू बॉयल करूंगी, आलू भी मैश कर लूंगी आलू आटे में और फिर गर्मा गर्म कचौड़ी बथुए की बहुत टेस्टी लगती है। आप जो धनिया होता है उसका आप चटनी बनाओ धनिया के साथ चाय के साथ तो मज़ा आ जाता है खा के और बथुए का रायता भी बहुत अच्छा बनता है। तो अब तो जो सर्दियाँ आ रही है ना उसमें तो बहुत हरी हरी सब्जी सारी पालक साग सरसों का और सोया बथुआ मेथी मतलब जो है इन सब चीज़ों का तो ना मज़ा ही अलग है। और मैंने अभी तक जो है सरसों का साग और मक्की की रोटी नहीं बनाई एक बार भी, तो वो भी बनाएंगे। बस बढ़िया बढ़िया खाते रहो सर्दी में और इन्जॉय करते रहो। इस बालकनी से धूप चली जाती है, जो हमारे लिविंग रूम की बालकनी है इसमें 10-11 बजे तक धूप आती है और जो हमारे बेडरूम की बालकनी है इसमें अभी भी आ रही है थोड़ी सी, हाँ 2:15 बजे तक धूप रहती है फिर चली जाती है। उसके बाद अगर आपको धूप लेना है तो आप नीचे चले जाओ, सोसाइटी में पार्क है बेंच पड़ी हुई है वहाँ पर जो है धूप का पूरा मज़ा। मैंने बंद कर दिया बस सीटी इसकी निकल जाए और देखते हैं खमन ढोकला MTR का किस किसने बनाया है ये खमन ढोकला रेडीमेड। तो मैं जो है बनाऊँगी फर्स्ट टाइम, पहले मैं देखूंगी इसके सारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको देखूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि कैसे करना होगा बट फिर भी एक बार चेक कर लूँगी। ये है 150 रुपीज़ का भाई, 150 रुपीज़ में तो हमारा बेसन ही आ जाता है 1 kg, उसमें तो कितनी बार ढोकले बना लो, ये तो बहुत महंगा है। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलो मिलते हैं बाद में। और अभी मेरा फ़ोन चार्ज बिल्कुल भी नहीं हुआ तो मैं फिर से फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देती हूँ। अभी तो मेरे कैमरे की बैटरी भी डाउन है, हम लोग घूमने गए थे तो कैमरा चार्ज ही नहीं करा आगे तो कैमरे को भी लगाना होगा। मैश कर लिया, हाथ से भी पूरा कर लिया और ऐसे भी मैश कर लिया देखो। और अभी हम दूध में जो है इलायची वगैरह डाल देंगे ताकि थोड़ा सा खुशबू आ जाए और आज थोड़ा सा केसर भी डाल दूंगी तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आ जाएगा येलो। तो दूध जो है दूध में उबाल आ चुका है देखो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यू भी सो रहा है और मैं भी सो गई थी। अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बनाऊंगी खमन ढोकला, तो आज ही बना के रख दूंगी क्योंकि ठंडा ठंडा जब अगले दिन खाओ ना तो वो अच्छा लगता है। और सुबह सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें सुबह बना पाऊँ, सुबह बहुत सारे काम होते हैं। ये टाइम ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो अपना जो रात का डिनर है वो लेके जाते हैं तो मेरे पास टाइम होता है इस टाइम। अभी यूँ भी खेलने जाएगा तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊँगी। तो ये है कि मेरे पास 7:30-8 बजे तक टाइम है, ये बनता रहेगा हलवा धीरे धीरे। मैं उधर खमन ढोकला का बैटर तैयार कर देती हूँ, आलू बॉईल करने रख दूंगी तो उसको भी जो है पूरा बथुए में मार के रख दूंगी। जब मुझे छोटा था तो ऐसे ही मैं ना धीरे धीरे काम करती थी, बिल्कुल मतलब आवाज़ नहीं, क्योंकि छोटे पे तो बच्चों की नींद पता ही कैसी होती है, जरा सी खट से भी हो जाता था। तो मैं क्या करती थी कि एग्जॉस्ट फैन चला के बाथरूम का और फिर काम करती थी, कुकर की सीटी ना आ जाए, मतलब इतने फूक फूक के कदम रखे जाते थे तब तो छोटे बच्चे के साथ तो बहुत संभल के काम होता था। जब ये सोता था उसके हिसाब से घर में सफाई क्लीनिंग चीज़ें सारी होती थी और जग रहा है तो कोई ऐसा फालतू काम नहीं कर सकते और मतलब बस इंतज़ार रहता था कभी भी सोए और मैं फटाफट से सारे घर के काम निपटाऊँ। लेकिन स्टार्टिंग से वही है कि सारा मैनेज हो गया, पता चल गया एक बार रूटीन दोपहर में सो, जब छोटा था तब भी इसको जो है जब ये 2-3 साल का रहा तो दिन में इसको मैंने हमेशा सुलाया, तो जैसे सोता था तो सारा खाना बना दिया सारा काम कर लिया, फिर कोई टेंशन नहीं है कि मतलब आप सारा काम हो जाता है आराम से, बस मैनेज करने की बात है।
हेलो, कितना सो गए भाई? ये देखो इसे कितना नींद आ रही है, कितनी नींद। आजकल यूवी को शौक लगा हुआ है बैडमिंटन का। अब जो है यूवी का अच्छा वाला बैडमिंटन आएगा नए साल में, है ना? क्यों? तो चलो फिर बाहर आ जाओ जल्दी, 6 to 7 जाओ, खेल कर आओ, फिर पढ़ना भी है। लाइट ऑफ करके आना, चलो आओ। इनको भी खाना दिया जाए, इनको भी भूख लगी है। दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं। अभी तो हमारी लाइट जो है, मैंने ये वाली दिवाली की लाइट है मैंने नहीं हटाई, मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा लगे रहने दो, अभी थोड़े टाइम में हटा देंगे, अच्छा लगता है शाम को थोड़ी देर जला दो तो। चलो, दूध हो गया। कोई भी सोता है, मेरा तो ये मानना है कि जब कोई भी सोता है, कोई भी A to Z घर में, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, मैं बहुत संभल के काम करती हूँ। ऐसा नहीं कोई सो रहा है तो खटर पटर, अगर आप घर में इतनी चीज़ें शोर करोगे तो दूसरा बंदा थोड़ी देर के लिए भी सो रहा है, तो मैं बहुत ही आराम से काम करती हूँ ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, उसकी 1-1.5 घंटे की नींद जो भी है तो वो पूरी हो जाए। इसलिए मेरी आदत वो है कि आराम से तसल्ली से दूसरे को सोने दिया जाए। तो अगर आप शोर करोगे तो दूसरा कैसे सोएगा? क्योंकि खुद भी अगर आप कभी सोते हो तो कैसा लगता है कि बिल्कुल शोर ना हो। तो अब हम बनाने जा रहे हैं खमन ढोकला। तो हो सकता है कि दोनों ये जो हलवा बन रहा है और ये, तो ये इसी ब्लॉग में नहीं आए क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हलवा तक तो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, और इसका जो ये बनेगा और बथुए की जो कचौड़ी है वो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कभी कभी कि वो 20-22 मिनट का ब्लॉग देख सके। तो ब्लॉग हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा रहे, 12 या 13 मिनट का, जिससे जो है आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल सके देखने का और बोर ना हो। दो बड़े चम्मच डाल देते हैं, ये वाले बड़े वाले, इसमें डाल दी चीनी। तो हलवा हो गया है रेडी। मैंने इसमें जो है बादाम थोड़े से छोटे से कट करके डाल दिए और कुछ भी नहीं डाला इसमें। यूवी को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह ना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ सिंपल बादाम डाले हैं। और एकदम ये ड्राई हलवा हो गया हमारा रेडी। थोड़ा सा इसको और ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, तो मावा जो है इसमें ऊपर वाइट वाइट निकल के आ गया, थोड़ा सा और सूखेगा तो और इसमें जो है वो टेस्ट आएगा, गीला गीला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, इसको काफी देर पकाएंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा हलवा, ये देखो। हाँ हाँ हाँ, मैंने टेस्ट भी करके देख लिया, तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है भाई। तो सर्दियों का पहला गाजर का हलवा, आप लोग देखो शकल से इसकी कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ जो है जो ढोकला है उसका रिव्यू आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, ये ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो है ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और कुछ भी वीडियो में पसंद आए तो प्लीज जरूर से लाइक करें एंड कमेंट करें अच्छे अच्छे, एंड मेरे चैनल पे जो भी नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे ध्यान से, एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन क्लिक कर दे, जिसकी वजह से आपको जो भी मेरे न्यू ब्लॉग्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और एक मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।